और श्रद्धेय आचार्य श्री के जन्म दिवस पर यह किसानों के लिए एक बड़ा उपहार साबित होगा। पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट का यह पूरा सेवा का प्रकल्प, और उसके लिए हम एक बार पुनः भाभा इटोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को और उनके प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ की जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं डॉक्टर स्मिथ मूले को एक बार सभी की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और पूरा देश जानता है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र वह अपने आप में एक देश का प्रतिष्ठित अनुसंधान केंद्र है, और पतंजलि जो हमारी पूर्वजों की ऋषियों की ज्ञान परंपरा को और आधुनिक विज्ञान को साथ में लेकर के आगे बढ़ रहा एक देश का उदीयमान सेवा संस्थान है, जो कि विविध आयामों को लेकर के बड़ी भूमिका निभा रहा है। योग आयुर्वेद और सनातन आर्ष ज्ञान परंपरा की विविध क्षेत्रों के साथ कृषि के क्षेत्र में भी अब एक बड़ी भूमिका पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से होगी। उसके लिए एक बार पुनः श्रद्धेय आचार्य श्री को उनके जन्म दिवस पर हम उनका अभिनंदन करते हैं, और एक बार उनका मैं आप सबकी ओर से अभिनंदन करता हुआ उनको श्रावण मास में भगवान शिव का जो बहुत प्रिय माना जाता है रुद्राक्ष, वह उनको अर्पित करता हुआ एक बार सबके ओर से उनको पुनः जन्मदिन की बधाइयां देता। दिव्य फार्मेसी और पतंजलि संस्थान की ओर से आदरणीय भाई रामभरत जी भी पूज्य स्वामी आचार्य श्री का अभिनंदन कर रहे हैं। आप सबको पुनः मुझे इस बात को कहते हुए बहुत खुशी है कि पतंजलि योगपीठ के विभिन्न जो सेवा प्रकल्प आयाम हैं, पतंजलि परिवार के विविध हमारे कर्मयोगी भाई बहनों के द्वारा जो काम हो रहा है, बहुत बड़े स्तर पर काम हो रहा है, उसकी गूंज न केवल भारत में अभी तो संपूर्ण विश्व में गुंजायमान है। इसके लिए उन सभी भाई बहनों को जो पतंजलि योगपीठ में हर क्षेत्र में हर कार्य में सबसे अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, उन सब के लिए एक बार आप जोरदार ढंग से तालियों से आप अपना उनका सम्मान करें। इसी प्रकल्प में श्रद्धेय स्वामी हरिदास जी जो महान कर्मयोगी होते हुए भी वो पीछे रहते हैं, बहुत सारे कार्यों का संचालन करते हैं, उनके पुरुषार्थ से डॉक्टर परम गौड़ा जी बैठे हैं यहाँ पर, उनके सहयोग से पतंजलि योगपीठ ने बायो रिसर्च की ओर एक कदम बढ़ाया, और हमें खुशी है कि वह कदम आज दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करते हुए हम और आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी कार्य के संपादन के लिए जो बहन बैठी हुई थी डॉक्टर स्मिता मूले, ये प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर हैं जो आकृति प्रोग्राम है जो भावा एटोनॉमिक रिसर्च सेंटर का आप सबने सुना होगा, जो भावा बीएआरसी जो है हिंदुस्तान की नहीं अपितु एक भारतवर्ष की तो अमूल्य धरोहर है, वो परमाणु रिसर्च के लिए विश्व में एक अग्रणी संस्था है। तो उसकी यह प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, पूरे भावा एटोनॉमिक की ओर से आज प्रतिनिधित्व कर रही हैं इस कार्यक्रम के लिए कि पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ पीवीआरआई के साथ में आज एक संयुक्त प्रयास ये हुआ है रूरल डेवलपमेंट के लिए, गांव को कैसे विकसित किया जा सकता है, उसको विकसित करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, जो आज गांव में एक तरह से जहर परोसा जा रहा है कीटनाशक और फर्टिलाइजर के रूप में, तो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से मुक्त करने के लिए भारत को यह एक अभियान का प्रारंभ किया गया है। और पतंजलि के इस कार्य को मैं कहता हूं कि जब भावा एटोनॉमिक रिसर्च सेंटर का एक सहमति है, एक आपस में एक तरह से उनका समर्थन है, तो यह कार्य और भी व्यापकता के साथ हम पूरे देश में गुंजायमान कर सकेंगे, यह मेरे पूरा विश्वास है। आज और भी साइंटिस्टों को आना था,
बाकी हमारे कार्यकर्ता भी, क्योंकि आप देखते हैं कि बाहर आज कावड़ की सावन की मास का जो प्रभाव है उससे मार्ग अवरुद्ध है, तो सभी लोगों की सूक्ष्म उपस्थिति और यहाँ जितने भी भाई बहन उपस्थित हैं उन सब की प्रत्यक्ष और स्थूल उपस्थिति, श्रद्धेय स्वामी जी का पवित्र सान्निध्य हम सब के लिए ऊर्जा का कारण है। उस ऊर्जा के द्वारा हम और सृजन करेंगे, यह हमारा संकल्प है। ओम।